शोएब अख्तर साहब, ब्रेक में जाने से पहले मैंने आजम साहब के बारे में पूछा था, तो क्या उनको वर्जिश नहीं करनी चाहिए? तकलीफ की बात है, किसी फॉर्मर प्लेयर का बेटा होना, अब उससे पहले तो प्रेशर पड़ा है प्रोफेशनल लाइफ का, कि भाईजान अब आपको दिखाया जाएगा और आपने हमें दिखाना है, अब उसको करके दिखाना। दो चॉइसेस है, डर जा या कर जा, सिंपल। अब इस मैं इसको मोटिवेशन दूंगा, कर जा। आजम को अब कम से कम 50 किलो कम करना पड़ेगा। 50 किलो आप कम करो, आप लड़ो, जगह बनाओ, मोइन खान का टैग उतारो आप, और आप बड़े बन जाओ। और या फिर आप डर के दुनिया की बातें सुन के आप कोने में छुप जाओ। जी सामिया जी, मेरे भाई के सितारे क्या कहते हैं, मेरे बहुत बड़े सितारे के सितारे क्या कहते हैं? यहाँ पे जब मैं देखती हूँ कि इतना कंट्रोल भी है इनके अंदर अपने आप को कंट्रोल करने का, लेकिन इसके बावजूद या तो इनको पता होता है कि मैंने गुस्से को कहाँ कितना एक्सप्रेस करना है, और क्योंकि जब इनके आर्ट है इनके अंदर, आप इनके हाथ की लाइन देखिए, जीनियस ब्रेन। आप जायचा देखिए, एग्जॉल्टेड मर्करी का मतलब होता है फोटोजेनिक मेमोरी का होना। इमरान खान के बाद इन्होंने जिक्र किया कन्विक्शन का, दूसरी कन्विक्शन इनके अंदर है। जैसे ही नवंबर को ये टच करेंगे, इंशाल्लाह मिड अक्टूबर से आगे का सफर शुरू करेंगे। आप लोग जल्दी कोई अच्छी खबर सुन ले, आ जानी चाहिए, कोई भारी जिम्मेदारी, कोई इम्पोर्टेंट डेजिग्नेशन, वो इनका मुकद्दर है। और अगले 2 से 4 साल में तो ये फिर राज करते हुए हमें नजर आएंगे। 10 एडवांस वोट दिए जो नहीं काम करवा दे, एडवांस पैसे फाड़ लो। जिस तरह था वैसे ही था, 22 साल नहीं चेंज। I never saw him being changed. ये भी खुद अल्लाह की बड़ी रहमत होती है, अल्लाह की बड़ी रहमत होती है। आप कुछ सोशल मीडिया के हवाले से पूछना चाह रही थी शोएब साहब से? शोएब सर, सोशल मीडिया पे अक्सर आप टीम को बहुत तनकीद करते हैं, लेकिन बतौर कोच जो है पीसीबी आपको संजीदा नहीं लेता, तो इसकी क्या रीजन है? देखिये, मैं अभी भी कह रहा था कि 10% जो एलीट है ना, वो ये नहीं चाहती कि वो ठीक हो जाए। जो 90% है ना हमारी कौम, जो मुझसे रिलेट करती, ये हम सब ये चाहते हैं यार शोएब आए, ये ट्रांसलेट करे, ये माइंडसेट चेंज करे, अपने मुल्क का ब्रांड को बड़ा करे। अगर ब्रांड बड़ा हो गया, पीसीबी और क्रिकेट बड़ी हो गई, उन 10% क्या होगा? वो 10% ना एक पाव के लिए अपने पूरा बैल जबा कर देते। वाह वाह वाह। मुझे तो पाकिस्तान ने आज तक फायदा दिया, 1.25 लाख की बात, मैं क्यों अपने मुल्क का नुकसान सोचूंगा? जिन लोगों ने मुल्क से फायदा न उठा पाए, वो नोचते हैं इस मुल्क को 5-10 लाख रुपए की तनख्वाह के लिए। सो मुझे 5-10 लाख की तनख्वाह के माइंडसेट से प्रॉब्लम है, लोगों से नहीं। मैं तुम्हें उससे ज्यादा बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन अच्छा वो इसलिए नहीं रखते कि इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी अगर वो आ जाएगी पीसीबी में, या अगर किसी सिस्टम में आ जाएगी, यार ये फिर चलने नहीं देगा कोई 19-20 चीज, तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाता है। अदरवाइज आई एम अ मोस्ट फ्रेंडली पर्सन, लेकिन बाकी अल्लाह की मर्जी। शोएब साहब, छोटे छोटे से सवाल। कभी मैच देखते हुए पसंदीदा खिलाड़ी आउट हो जाए तो पहला लफ्ज या जुमला मुंह से क्या निकलता? ठीक है। सर, कोई ऐसी डिश जो खाना तो जो चाहते हैं और खा नहीं पाते? क्रोकोडाइल की टेल। अच्छा, उसका मीट बड़ा मजे का होता है, उसके फैट के साथ होता है। अगर आपको पुलिस पकड़ ले तो कौन सा मुमकिन जुर्म हो सकता है जो आपने किया हो? मैंने ट्रैफिक पुलिस को शायद चाप करा दूं गाड़ी के साथ, वो गाड़ी यानी मोड़ में नहीं कर गया। सर, यादगार खेल जिसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस रही हो? कोलकाता टेस्ट मैच, जिसमें ड्रेविड और सचिन 2 बॉलों पे, मैं देखिए परसों ही देखा। कभी किसी प्लेयर के साथ फड्डा हुआ हो ड्रेसिंग रूम में? सर, सकलैन के साथ बहुत बुरा था। पैड़ी जुगत मार के ना हंस पैंदा सी। कभी फील्डिंग के दौरान सर शायकीन से जुगते पड़ी हो? ओहो, फैसलाबाद इच तो इतने जुगते फैसलाबाद मारते थे। रजाक ने गर्मी स्वेटर पा के बैठा है ते बैटिंग आ गई, वो अंदर जान लगा ते पिछू आवाज दी फैसलाबाद, और जाके रजाक ने मुड़ के देखा है ना, गुड लक यू पेंडुआ। इसके अलावा नहीं जो तालू पई होए जुगत। मैं तो पता नहीं कि क्रिकेटर जा रहे थे, अमरूद चुके है फैसलाबाद दे गोल, मैं यार रेडी तो अमरूद ले ला, मैं कहा यार देख ला भाई ये कीड़े ना, कहना भाजी इन्होंने मेरे तो ही कहना ना कि फैक्ट्री लगी है। मैं कहा यार तुसी यार की चीज़ां यार अजीब ही जुगता मार जाते हैं। सर, पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स में आपका सबसे पसंदीदा क्रिकेटर? इमरान खान। वेरी गुड। पॉन्टिंग, गिलक्रिस्ट, जायद भाई। अच्छा, बेहतरीन। क्या मशवरा देंगे सर इन प्लेयर्स को? उमर अकमल साहब। Too late for him. Sharjeel Khan sahab. Fix your mindset. Mohammad Amir sahab. Bring your pace back. Babar Azam sahab. Believe in yourself more. Mohammad Hafiz sahab. Stop talking. Stop talking. Now Ramiz Raja is the PCB chairman. Wahab Riaz sahab. Need another hair transplant. Sorry, Bhavi. Wahab needs to get back in the team. Okay. For the World Cup, we need him. Kamran Akmal sahab. Leave your gloves off. Start batting. आज इसका पाकिस्तान का ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर होता है। ओए ओए ओए, व्हाट रिकमेंडेशन जी। मिसबाहुल हक साहब, माफी दे दे। माफी दे दे। चावला दे पिच नहीं निकल जानी है। मिसबाह बास कर। मिसबाह बास करते। सर शाहीन अफरीदी। Get your muscles more in your thighs because you're beginning to pick up. और अब आपको। You see great future of that chap? Yes, only if he leaps forward towards the greatness. हाँ। कोई ऐसा कानून जो आपके ख्याल से कानून ना होता तो बेहतर था? बाउंसर ना रोके जाते क्रिकेट में, ताकि तुसी लोगों ने खुन्ने सुझ दान दे। दुनिया की सारी कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स में लड़ाई है सिवाय क्रिकेट के। आजकल का कोई ऐसा फैशन जिससे सख्त नफरत हो आपको? हर बंदे दाढ़ी रखी। लेजर नहीं यार, मजेदार क्वेश्चन है, पूछिए। सख्त डाइट में भी कोई खाना जो ना छोड़ सकते हो आप? लॉबस्टर। अच्छा। ओल्डेस्ट क्रिकेट मेमोरी क्या याद है आपको? ब्रेडमैन गेटिंग आउट ऑन जीरो आई थिंक इन द लास्ट इनिंग्स, लास्ट मैच। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को किस आदात से पहचान लेते हैं? क्या पाकिस्तानी होना? बड़ा सिंपल है नुमान ने, आप नहीं पता। वो सिटी सेंटर से इंटर हो रहे हो ना आप दूर से, तो बनैन लटकी होनी है तो जराबा पुठियां पाए पे नाश्ते। सर कभी किसी से फोन पर लड़की की आवाज में बात की हो? नहीं। कभी किसी लड़के ने आपके साथ लड़की की आवाज में बात की हो? वो कर नहीं सकता ना, नहीं तो बुला लूंगा उसको। बेगम को आखिरी बार क्या तोहफा दिया था सर आपने? हीरे का सेट। माशाल्लाह। एक दिन के लिए अगर PCB का चेयरमैन के इख्तियारात मिले तो 3 कौन से सबसे अहम फैसले करेंगे आप? एक तो मैं अपने आप को 10 साल के लिए पक्का करूंगा। दूसरा, मिसबाह को मैं कहूँगा घर बैठ तनख्वाह ले, तानु माफ कर। तीसरा, विक्की भाई को कहूँगा मिसबाह के साथ शिफ्ट हो। पूरी दुनिया में जो उनके मुल्कों के स्टार्स होते हैं उनके ऊपर फिल्में बनती, ये रुझान क्यों नहीं पाकिस्तान में अभी तक आया? जी, मेरी बायोपिक बन रही है रावलपिंडी एक्सप्रेस के ऊपर। अच्छा। और उसकी बायोपिक नहीं, हम सीरियल लॉन्च कर रहे हैं, सीरीज पे काम कर रहे हैं। वो 2007 तक कंप्लीट हुई अभी जी, 2005 तक अभी। और कितने सालों पे वो मुहित है जी? ये 2 साल लगे। बहुत सही तालियां शोएब अख्तर साहब के लिए जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में जी।